हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केन छो कसे काय करो हाल है केना छी यहां सब कैसर वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग के मोना चो मनक्काम खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कन्या राशि वालों के लिए ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, किस मामले में अच्छा तो किस मामले में बुरा रिजल्ट देने वाला है, कौन सा वो ग्रह है जो आपको इस महीने में चमत्कारी का रिजल्ट देने वाला है, तो कौन सा वो ग्रह है जो आपको इस महीने में पूरा विपरीत और निगेटिव रिजल्ट देने वाला है, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। आज इन सभी विषय के बारे में बड़े विस्तार से डिटेल में चर्चा करेंगे और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आज तक आपने जितने भी राशिफल की वीडियो देखी होगी वो भूल जाओ, क्योंकि आज जो आप वीडियो देखने वाले हो, आज जो आपको जानकारी मिलने वाली है, इससे विस्तृत और बृहत जानकारी पूरे गूगल पर में, पूरे यूट्यूब पर में कहीं अवेलेबल ही नहीं है, किसी ने दिया ही नहीं है। मैं आपको दे रहा हूं आप लोगों के लिए। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही लंबा समय दिया है, बहुत ही घोर परिश्रम मैंने किया है। आपको इतनी बृहद जानकारी दे देना मुफ्त में इतना आसान नहीं है। आपने कहीं पर मैं पैसे देकर के जानकारी ली हो या मुफ्त में ली हो, चाहे 5,000 दिया हो या 10,000 दिया हो, आपको इतना बृहद जानकारी कभी नहीं मिली होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज आपको वो जानकारी मिलने जा रही है मित्रों। लेकिन ये गोचर कुंडली है, ये गोचर कुंडली है, हमेशा आपको ये मान करके चलना होगा, ये समझ करके चलना होगा कि गोचर कुंडली आपका परमानेंट भविष्य नहीं हो सकता। लग्न कुंडली जो है वो आपका अपना परमानेंट भविष्य है, उसके माध्यम से जो आपको फलादेश किया जाएगा वो आप पर भी 100% लागू होगा। लेकिन अगर आप गोचर कुंडली के फलादेश को देख करके बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुखी होते हो तो ये आपकी भूल है। ये मैं आपको बताने की हिम्मत इसीलिए करता हूं क्योंकि आप लोगों का इतना विश्वास है मेरे ऊपर में, आप लोगों का इतना प्रेम है मुझसे, आप लोगों ने इस चैनल को ज्योतिष का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय चैनल बना दिया। इसीलिए अगर मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा तो फिर आप किस पर में विश्वास करोगे, कहां जाओगे। इसीलिए आप ये मान करके चलो कि अगर जन्म कुंडली में आपकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी तो यहां पर मैं गोचर कुंडली का जो फलादेश मैं करूंगा, अथवा आप कहीं पर में भी अगर देखोगे तो गोचर का भी अगर बढ़िया फलादेश है तो समझ लो कि आपके जिंदगी में चार चांद लगने से कोई शक्ति दुनिया की नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपके लग्न कुंडली में अच्छा समय चल रहा है और गोचर कुंडली में बुरा समय चल रहा है तो आपको गोचर कुंडली मात्र 20-30% ही आपको इफेक्ट करेगा। अगर लग्न कुंडली में बहुत ही बुरा समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है और गोचर कुंडली में आप राजा बन रहे हो, भाग्य बदल रहा है, समय बदल रहा है, बड़ा बदलाव हो रहा है, पंच महापुरुष राजयोग ही क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर लग्न कुंडली में समय खराब है तो ये अच्छा रिजल्ट भी आपको केवल 20-30% ही दे पाएगा। ये आपको मान करके चलना पड़ेगा, ये आपको समझ करके चलना पड़ेगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि सभी ग्रहों का बड़े सूक्ष्मता के साथ हम लोग अभी गहन अध्ययन करने जा रहे हैं, इसलिए बड़े ही धैर्य के साथ, सब्र के साथ समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। क्योंकि मेरे वीडियो को बहुत सारे नए नए जो ज्योतिष हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो लोग देखते हैं, ज्यादा फॉलोअर मेरे वही हैं जिनको ज्योतिष में विशेष इंटरेस्ट है, जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं बड़े ही गूढ़ ज्ञान के साथ आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। वैसे आपके सामने में जो गोचर कुंडली है वो साइड में यहां पर मैं दिखाई दे ही रही होगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा मैं सूर्य से शुरू करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के छठे भाव में पहले 15 दिन रहने वाले हैं, 14 मार्च को रात तक।
जिसके कारण से छठे भाव का सूर्य आप जानते हो कि कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता। छठा भाव जो है मित्रों वो दुश्मन का होता है, जिसके कारण से सूर्य आपको दुश्मनों से परेशान करवाने की कोशिश करेगा। छठा भाव आपके चिंता का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य आपको चिंता में डालने की कोशिश करेगा। आप इस समय में चिंतित रहोगे, आपका जो दिमाग है वो बड़ा डिस्टर्ब अपने आप में 14 मार्च तक जो है आपको अनुभव होगा। ये छठा भाव जो है मित्रों आपके लिए, आपके अगर अपयश का देखना है, कलंक का देखना है कि कब कब लगेगा, तो वो छठे भाव से ही देखा जाता है। तो आप ये मान करके चलो कि सूर्य छठे भाव में बैठ गए तो 14-15 मार्च तक बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके माथे पर में, ललाट पर में किसी प्रकार के अपयश, कलंक, दोष को लगाया जा सकता है। ये जो छठा भाव है मित्रों आपके लिए गए कर्जों का भी होता है। अगर आप किसी से कर्ज लेना चाहते हो अथवा ले चुके हो, तो इस समय में जो है ये सूर्य देवता के कारण आपको विशेष तौर पर में जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपको बड़ा ही सतर्कता के साथ, बड़ा ही संभल करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो छठा भाव है मित्रों केस मुकदमा का भी होता है, तो जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में केस मुकदमा का योग होगा, जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर में केस मुकदमा हो चुका होगा, उसको सूर्य देवता 15 तारीख तक विशेष तौर पर में परेशान जो है सो करेंगे। ये जो छठा भाव है, इतना ही नहीं आपके पेट का भी होता है, तो पेट से संबंधित परेशानी का भी जो है आपको कुछ सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सावधान, भोजन के मामले में बड़ा सतर्क रहना। ये छठा भाव इतना ही नहीं आपके मामा और मामी का भी होता है, जिसके कारण से जो है ननिहाल पक्ष का, यानी कि नाना नानी का नहीं, मामा का होता है, जिसके कारण से जो है आपको आपको ननिहाल पक्ष से यानी कि मामा मामी से भी कुछ परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ सकता है, अथवा अगर वहां से कोई लाभ मिलने वाला था तो उसमें रुकावट और परेशानी आ जाएगी। सूर्य की सातवीं दृष्टि यहां से द्वादश भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से सूर्य देवता जो है 12वें घर को एक्टिवेट कर देंगे, और ये 12वें घर को एक्टिवेट ही नहीं करेंगे, 12वें भाव के मालिक भी हैं, जिसके कारण से आपका खर्चा बढ़ जाएगा, धन हानि का आपका योग बन जाएगा। इतना ही नहीं आपके लिए जो है सो अस्पताल का खर्च भी एक्टिवेट हो जाएगा, शैया सुख में भी कमी की अनुभूति होगी, और आंख से संबंधित भी कुछ माइनर परेशानी आ सकती है, पांव में भी चोट लगने का योग बन जाएगा। ये सब किसके कारण, तो 14 मार्च तक सूर्य देव के कारण जो है ये सब घटनाएं घटित होने की प्रबल संभावनाएं आपके कुंडली में बन रही है। मित्रों आपको मैं बता दूं कि 15 मार्च के बाद सूर्य देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के सप्तम भाव में, लेकिन इस कुंडली के लिए सूर्य देव एक मारक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह के तौर पर में नहीं जाने जाते हैं, जिसके कारण से सप्तम भाव में आने के बाद भी ये बढ़िया रिजल्ट कभी नहीं देंगे। जैसे में तो आपको मैं बता दूं कि सप्तम भाव किस चीज का होता है, तो जीवन साथी का होता है। जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव बनाने की सूर्य देवता कोशिश करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह फाइनल हो चुका है उसको भी 15 मार्च के बाद कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ बाधाओं का जो है सो सामना करना पड़ेगा। ये जो सातवां भाव होता है आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है, जिसके कारण से कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है।
दुश्मन का भी प्रत्यक्ष शत्रु का भी भाव जो है जो सातवां ही होता है, जो दुश्मन के पास में भुजाओं में आपसे टकराने की क्षमता होती है, वो लोग जो है कुछ आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस है तो वो बिजनेस भी आपका इस समय में बढ़िया नहीं चल पाएगा। सूर्य की सातवीं दृष्टि जो है आपके प्रथम भाव पर में, आपके राशि पर में, आपके लग्न पर में, आपके ललाट पर में पड़ जाएगी, जिसके कारण से मस्तिष्क जो है इस समय में आपका अच्छा काम नहीं करेगा, आपको परेशान करेगा आपका दिमाग। आपको मैं बता दूं कि ये जो सातवां भाव है, यहां से दृष्टि जो पड़ रही है प्रथम भाव पर में, वो आपके शरीर का भी होता है, जिसके कारण से इस शरीर से संबंधित भी कुछ परेशानी का, कुछ टेंशन का, कुछ तनाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। पहला भाव आपके ज्ञान का होता है, इसलिए ज्ञान से संबंधित भी आपको जो लाभ होना चाहिए उसका सही लाभ, सही उपयोग करके आप वो नहीं ले पाएंगे। आपके पास में जो काबिलियत है उस काबिलियत का इस्तेमाल करके जितना आपको फायदा होना चाहिए सूर्य देवता कतई नहीं होने देंगे। ये जो पहला भाव है आपके विवेक का भी होता है, विवेक की हरण कर स्वभाव में उग्रता आ जाएगा, इसीलिए सूर्य देव के लिए पूरे महीने कम से कम जितने भी रविवार आए उस दिन ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाएगा। सूर्य के बाद हम लोग चंद्रमा की मासिक राशि फल में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते, अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के पंचम भाव में मकर राशि में बैठे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि मकर राशि का मंगल जो है सो उच्च का हो जाता है, और उच्च का मंगल राजयोग कारक हो जाता है। आपको राजा अगर जन्म कुंडली में अगर मंगल उच्च का है, केंद्र में है अथवा त्रिकोण में है, तो आप ये मान करके चलो, और मंगल अगर मजबूत अवस्था में है तो आपको बड़े पद पर पहुंचने से, आपको बड़ा व्यक्ति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, अगर रुचक नामक राजयोग है तो। कुंडली में आपके गोचर कुंडली में इस समय में वो राजयोग बन रहा है, अगर लग्न कुंडली में भी होगा तो फिर क्या कहने हैं, चार चांद लग जाएगी आपके किस्मत में। मंगल पंचम भाव में बैठा है पूरे महीने के लिए। अगर किसी को संतान होने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है, तो आप ये मान करके चलो कि पुत्र प्राप्ति का योग बन जाएगा। मंगल जो है पुत्र प्राप्ति का योग तो बनाएगा ही, लेकिन जिनका बच्चा पहले से है उनको भी जो है सो ये मंगल संतान के सुख में वृद्धि करेगा, संतान के तरफ से जो है सो बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, संतान के तरफ से जो है सो आप निराश नहीं होंगे। ये किसका प्रभाव है, तो ये मंगल का जो है सो प्रभाव है कि संतान के तरफ से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मित्रों आपको मैं बता दूं कि मंगल के कारण जो है सो आपके बच्चे के परफॉर्मेंस में चार चांद लग जाएगा। आपका बच्चा अगर कहीं पढ़ता था पहले 10 में से 2 नंबर लाता था, तो इस समय में 10 में से 6 लाना शुरू कर देगा, 10 में से 8 और 10 में से 10 लाना शुरू कर देगा। अगर आपका बच्चा कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा था, तो इस समय में आप अनुभव करेंगे कि आपका बच्चा जो है सो अपने आप में उस कंपनी के शीर्ष तक पहुंचने के, अगर पंचम भाव में आपके जन्म कुंडली में भी रुचक नामक राजयोग बन रहा है, तब तो आप ये मान करके चलो कि आपका बच्चा जिंदगी में बड़ा पद निश्चित तौर पर में जो है सो हासिल करेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि संतान के घर में राजयोग बन गया। इस महीने में मंगल संतान के परफॉर्मेंस में तो वृद्धि करेगा ही, लेकिन आपके खुद के विद्या बुद्धि में भी चार चांद लगा देगा। आपका खुद का विद्या बुद्धि जो है सो इतना सुंदर काम करेगा, इतना बढ़िया काम करेगा कि आप जो है सो सोच नहीं सकते। ये पांचवा भाव मित्रों
आपके लव अफेयर का भी होता है, यानी कि आपके प्रेम प्रसंग का भी होता है, जिसके कारण से मंगल देवता के कारण आपके प्रेम प्रसंग में भी जो है सो वृद्धि करवाएगा मंगल देवता। हो सकता है तो आपका कहीं अफेयर वगैरह भी शुरू हो जाए। ये पांचवा भाव अचानक से धन लाभ का भी होता है, तो मंगल देवता के कारण रैंडम गेन का भी योग बनेगा, अचानक से धन लाभ की भी आपको प्राप्ति जो है सो होगी। आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता के कारण जो है सो आपके यश में भी वृद्धि होगी, धर्म का भी पालन करेंगे, और मंगल देवता के कारण मंगल कार्य करने का भी योग बनेगा। पेट भी काफी मजबूत रहेगा, उसके रिगार्डिंग भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके कुंडली के यहां से पड़ जाएगी, 1, 2, 3, 4 अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जो लोग विदेश में रहते होंगे अथवा जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं और रहते होंगे तो उनको वहां से विशेष लाभ का मंगल देवता जो है सो योग बनाएंगे। अचानक से धन लाभ हो जाएगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। मंगल की सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में भी वृद्धि के योग बनेंगे, लाभ भी आपको प्राप्त होगा, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी, सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, और जो बुजुर्ग वर्ग के लोग होंगे उनको पुत्र वधू और दामाद का भी विशेष सुख प्राप्त होगा। मंगल की आठवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, जो भी कोई लोग विदेश से जुड़े हुए होंगे, जिस किसी भी बंदे का काम विदेश से होगा उनको विदेश से भी लाभ का विशेष योग बन जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति को आंख से संबंधित परेशानी होगी, मंगल देवता के कारण आंख से संबंधित परेशानी में कमी का योग बनेगा। मंगल देवता हर मामले में आपको बढ़िया ही जो है सो रिजल्ट देने वाले हैं। मंगल के बाद अब हम लोग बुध देव की चर्चा करेंगे। बुध देवता जो हैं आपके कुंडली के पंचम भाव में 6 मार्च तक रहेंगे, और बुध देवता इस कुंडली में जो हैं सो प्रथम भाव और दशम भाव के मालिक हैं, तो 6 मार्च तक बुध देवता बड़ा ही सुंदर और भव्य रिजल्ट देंगे। संतान के परफॉर्मेंस में उन्नति का योग, संतान में वृद्धि का योग, संतान से खुश रहने का योग, 6 मार्च तक संतान से सुख प्राप्ति का योग, और बुध देवता के कारण जो है अचानक से धन लाभ का भी योग, संतान से भी लाभ का योग, लव अफेयर को भी सक्सेस करने का योग। और मैं आपको बता दूं पेट से संबंधित परेशानी को भी दूर करने का योग, ये बुध देवता का प्रभाव है। बुध देवता की सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर, जिसके कारण से आय में वृद्धि का योग, लाभ प्राप्ति का योग, उपलब्धि की प्राप्ति का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद लेने का योग, और जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद के विशेष सुख का योग भी प्राप्त होगा। ये कैसे होगा? तो बुध देवता के कारण 6 मार्च तक बुध देव भी आपको बढ़िया रिजल्ट देने के लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन 6 मार्च के बाद बुध देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के छठे भाव, तब यही बुध देवता आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे कि आप देख लो कि यही बुध देवता 6 मार्च के बाद जो है तो 6 मार्च से लेके 24 मार्च तक आपको दुश्मन से परेशान करवाने की कोशिश करेंगे, चिंता में रखने का प्रयास करेंगे, दुख देने का प्रयास करेंगे, आपके माथे पर में कलंक लगाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, नहीं और क्या। तो और आप अगर कहीं लोन वगैरह लेने के लिए चाह रहे हैं, परेशान हैं, तो इस समय में आपको 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में लोन वगैरह भी मिलने का जो है योग बन जाएगा। और क्या,
तो मामा से भी कुछ धन लाभ लेने का योग तो बनेगा, लेकिन बुद्ध देवता लेने नहीं देंगे। हेल्थ वाइज कुछ इशू का भी सामना करना पड़ेगा। 6 मार्च से 24 मार्च तक बुद्ध की दृष्टि पड़ जाएगी द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से जो है आपको धन हानि का योग, फालतू के खर्चों का योग, अत्यधिक खर्चे का योग, अस्पताल के खर्चे का योग, आंख से संबंधित जिस परेशानी को मंगल देवता दूर करने का प्रयास कर रहे थे, अब वो इतना आसानी से दूर नहीं होगा, उसमें बुद्ध देवता ने उसको कट कर दिया। और क्या, तो 12वां भाव होता है आपके पांव का भी, तो पांव में भी छोटा मोटा चोट लगने का योग बन जाएगा। 24 मार्च के बाद यही बुद्ध देवता आपके कुंडली के 7वें भाव में चले जाएंगे, फिर इनका चाल बदल जाएगा, फिर इनका स्वभाव बदल जाएगा। जैसे ही 7वें भाव में बुद्ध देवता गए, आप ये समझ लो कि आपके विवाह का भी योग 24 मार्च के बाद बुद्ध देवता बना देंगे। जीवन साथी के साथ संबंध को बड़ा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, काम और वासना की पूर्ति करवाने का प्रयास करेंगे। और ये 7वां भाव किस चीज का, तो आपके दैनिक रोजगार का भी होता है, तो दैनिक रोजगार को भी मजबूत करने का, अच्छा चलाने का प्रयास करेंगे। ये जो 7वां भाव है ना, आपके वैवाहिक जीवन का भी होता है, तो वैवाहिक जीवन को भी अच्छा सुखी बनाने का प्रयास करेंगे। ये 7वां भाव आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है, गुप्त इंद्रियों का। गुप्त इंद्रियों संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसको भी कम करने का प्रयास करेंगे। बुद्ध की 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से बुद्ध देवता का क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो बुद्ध देवता का पॉजिटिव रिजल्ट ये मिलेगा कि आपके ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। नहीं, जहां पर मैं सूर्य देवता ज्ञान को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, आपको पथ भ्रष्ट कर देना चाह रहे थे, अब वो इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। बुद्ध देवता के दृष्टि के कारण सूर्य देवता के प्रभाव में कमी आ जाएगी। बुद्ध देवता के दृष्टि के कारण सूर्य देवता के प्रभाव में कमी आ जाएगी। जैसे क्या कमी आएगी, तो सूर्य देवता जैसे आपके दिमाग को गर्म करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए थे, बुद्ध देवता आपके दिमाग को संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे सूर्य देव की दृष्टि के कारण गुस्सा जल्दी आना था, बुद्ध देवता उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे सूर्य देव की दृष्टि के कारण आपको पथ भ्रष्ट हो जाना था सूर्य देवता के कारण, लेकिन बुद्ध देवता आपको वहां भी बचाने की कोशिश करेंगे। जैसे जो है सूर्य देव के कारण आपको गर्व करने लायक कोई भी काम नहीं करने दिया जाने वाला था, लेकिन बुद्ध देवता के दृष्टि के कारण आप कुछ ना कुछ ऐसा काम निश्चित तौर पे करेंगे जिससे आप मन ही मन सोच के प्रफुल्लित हो, खुश हो। बुद्ध देवता जो है इस कुंडली के 10वें भाव के भी मालिक हैं, तो 24 मार्च के बाद कुछ पिता से भी लाभ का योग बनेगा। कुछ इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, कुछ प्रभुता की भी प्राप्ति होगी। अगर सरकार से कोई काम चल रहा है तो वहां से भी कुछ लाभ मिलेगा। आपके लिए कारोबार में भी वृद्धि का योग बनाएंगे बुद्ध देवता। अगर आप किसी पद के लिए लड़ रहे हैं, अगर आपको किसी पद की चाह है और कुंडली में वैसा योग लग्न कुंडली में बन रहा है, तो गोचर का बुद्ध सपोर्ट कर देगा और वो पद आपको 24 मार्च के बाद प्राप्त हो जाएगा। तो बुद्ध देवता के लिए 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक ही केवल आपको जाप करना है।
क्या जाप करना है? तो ओम बुं बुधाय नमः, ओम बुं बुधाय नमः। पुरुष वर्ग इस मंत्र का जाप करेंगे, महिला वर्ग नमो बुं बुधाय नमः, नमो बुं बुधाय नमः। इस मंत्र का महिला वर्ग जाप करेंगी। कितना जाप करेंगे? तो कम से कम बुधवार के दिन एक माला जाप जरूर करेंगे, तभी जाकर के इसका उचित और सही फल आप प्राप्त कर पाएंगे और परेशानी से बच पाएंगे। सूर्य जो 15 मार्च के बाद आपको परेशानी देने वाले हैं, तो उससे बचने के लिए आपके पास में एक उपाय है कि सूर्य को दैनिक रूप से जो है जल देना शुरू कर देंगे, अपने आप उस परेशानी से बच जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपको जो है सो करना पड़ेगा। बुध के बाद अब हम लोग बृहस्पति देव गुरु की चर्चा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति इस महीने में छठे भाव में बैठे हुए हैं। कन्या राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति इस महीने में कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, सिवाय एक चीज के। जैसे में क्या? तो जैसे में लोन वगैरह अगर लेना चाह रहे होगे, कर्ज वगैरह अगर लेना चाह रहे होगे, लोग नहीं दे रहे होंगे, बैंक नहीं दे रही होगी, तो देव गुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाएगा और लोन वगैरह आप इस समय में निश्चित तौर पर में ले सकते हो। ये देव गुरु बृहस्पति का अच्छा परिणाम होगा। लेकिन बुरा परिणाम क्या होगा? तो बुरा परिणाम ये होगा कि छठा भाव ही अच्छा नहीं होता, तो देव गुरु बृहस्पति के कारण भी दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। देव गुरु बृहस्पति के कारण भी आप चिंता में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति के कारण भी शोक और दुख की प्राप्ति का योग बनेगा। देव गुरु बृहस्पति के कारण भी आपके मस्तक पर में, ललाट पर में जो है सो कलंक लगने का, अपयश लगने का जो है सो योग बनेगा। आपको छठा भाव दुश्मन के साथ साथ रोग का भी होता है, हेल्थ वाइज यीशु का भी होता है, तो हेल्थ वाइज यीशु का भी सामना करना पड़ेगा। देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहां से दशम भाव पर पड़ेगी, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसके कारण से पिता से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पिता से लाभ लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इतनी आसानी से आपको पिता से लाभ भी नहीं मिल पाएगा। ये जो दसवां भाव है वो आपके पिता का ही नहीं, आपके खुद के कर्म का भी होता है। तो कर्म यानी कि आपका कारोबार, काम धंधा में भी जो रफ्तार चाहिए, जो वृद्धि चाहिए, उसमें भी बृहस्पति के कारण कमी देखने को मिलेगी। ये जो दसवां भाव है आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी होता है, तो देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव अच्छा कतई नहीं होगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब में कमी का सामना करना पड़ेगा। ये जो दसवां भाव होता है आपके घुटनों का भी होता है, जिसके कारण से बृहस्पति कारण घुटनों में भी दर्द देखने को मिलेगा। ये दसवां भाव आपके अधिकार का भी होता है, तो अधिकार के लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि यहां से द्वादश भाव पर में, 12वें घर पर में, तो बृहस्पति देव के कारण भी आपका खर्चा बढ़ जाएगा, धन हानि का योग बन जाएगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा और आंख से संबंधित परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। ये बृहस्पति का प्रभाव है। इसके अलावा और क्या? तो पांव में भी चोट लग सकता है। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी,
परिवार में भी कलह की टेंशन की स्थिति जो है बनी। और क्या, तो आपको दूसरा भाव आपके जीभ का भी होता है, तो आपके जीभ से सही शब्दों का प्रयोग नहीं हो पाएगा। ऐसे तीखे रूखे शब्दों का प्रयोग करोगे कि लोग आपसे दुखी हो जाएंगे। परिवार के साथ साथ पड़ोसी के साथ भी आप कुछ टेंशन तनाव कर सकते हो, इसीलिए आपको सावधान रहने को कहा जा रहा है। देव गुरु बृहस्पति के लिए इस महीने में निश्चित तौर पर में उपाय करने की आवश्यकता है। जैसे में क्या, तो उपाय ये करना है कि बृहस्पति बार के दिन पुरुष वर्ग ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का एक माला जाप करेंगे। महिला वर्ग नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः का भी एक माला जाप करेंगी। अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बृहस्पति के बाद अब हम लोग शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र देव जो हैं इस कुंडली में वैसे एक सम ग्रह होते हैं और पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से जो है सो शुक्र देव आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे में क्या क्या बढ़िया रिजल्ट देंगे, तो पंचम भाव में बैठने के कारण जिसके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग होगा शुक्रदेव का, उसको सपोर्ट मिल जाएगा और इस महीने में पुत्री की प्राप्ति का सुख पिता बनने का मौका मिलेगा। पंचम भाव आपके अचानक से धन लाभ का भी होता है, तो आपको अचानक से धन लाभ भी होगा। पंचम भाव आपके लव अफेयर का भी होता है, तो आपका कहीं पर में कोई अफेयर वगैरह भी इस महीने में देखने को मिल सकता है, अथवा किसी के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। पांचवा भाव जो है सो आपके लिए अचानक से धन लाभ का भी होता है, तो अचानक से रैंडम आपको कुछ धन लाभ भी हो सकता है। पांचवा भाव आपके पेट का भी होता है, तो पेट से संबंधित जो परेशानी है यहाँ पर में शुक्र देवता के कारण वो परेशानी भी जो है सो कम होगी, ना कि बढ़ जाएगी। पांचवा भाव इसके अलावा और किस चीज का होता है, तो पांचवा भाव होता है आपके यश का, तो यश में भी वृद्धि होगी। पांचवा भाव आपके धर्म का होता है, परोपकार का होता है और किस चीज का, तो आपके द्वारा किए गए मंगल कार्य का भी भाव जो है वो पांचवा ही होता है, तो जिसके कारण से आपके माध्यम से कुछ मंगल कार्य भी जो है सो हो सकता है। यहां से शुक्र की जो है सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में पड़ेगी, तो जिसके कारण से जो है आय में वृद्धि हो जाएगी, लाभ मिलेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, अपने से बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद का भी आप पात्र बनेंगे, पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्त होगा जो बुजुर्ग वर्ग के लोग होंगे। जिस किसी भी व्यक्ति को पांव में दर्द होता है उसको इस समय में पांव के दर्द से राहत देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, शुक्र जो है आपके कुंडली के नवम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव का भी मालिक है, तो नवम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और द्वितीय भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। जैसे में क्या, तो नवम भाव के रिगार्डिंग यानी कि धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका प्राप्त होगा, सपने कुछ पूरे होंगे और इसके अलावा आपके पास में जो शिक्षा है उस शिक्षा का सही इस्तेमाल करके आप उसका पूरा पूरा लाभ भी ले पाएंगे। ये शुक्र देवता का प्रभाव होगा। शुक्र देवता आपके दूसरे भाव के भी मालिक है, तो जिसके कारण से जो है सो आपको
पैसा जमा करने का भी मौका प्राप्त होगा, आप जो है सो पैसा जमा भी कर पाएंगे, बैंक बैलेंस भी करेंगे और इसके अलावा परिवार से भी सुख और लाभ का आपके लिए योग बनेगा। वाणी भी, शुक्र आपके वाणी का मालिक है तो वाणी इतना मीठा हो जाएगा कि जिससे 5 मिनट बात कर लेंगे वो अपने आप आपकी तरफ सम्मोहित आकर्षित हो जाएगा। ये शुक्र का प्रभाव है। तो हर मामले में शुक्र आपको बढ़िया रिजल्ट इस महीने में देने वाला है। शुक्र के बाद शनि का क्या प्रभाव है, तो शनि आपके लिए इस महीने में इस कुंडली में सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। एक 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 ही भाव में दो दो राजयोग का निर्माण होना ये कोई साधारण बात नहीं है, जिसके कारण से शनि के कारण आपके संतान के परफॉर्मेंस में जो है चमत्कारिक तौर पर में वृद्धि होगी। आपका खुद जो है बुद्धि विवेक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। नहीं, ये जो पांचवा भाव है आपके खुद के यश का भी होता है, तो यश में भी वृद्धि होगी, लव अफेयर भी सक्सेस होगा और संतान का परफॉर्मेंस भी दिन प्रतिदिन बढ़िया होता चला जाएगा इस महीने में। और इसकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी के साथ भी लाभ का योग बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि यहां से जो है सो आपके विवाह का भी योग बनेगा, आपके कारोबार में भी वृद्धि का योग बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि काम वासना की भी पूर्ति होगी। और इसकी सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो लाभ भी खूब होगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी खूब होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी शनि सपोर्ट करेगा, धर्म का भी पालन करवाएगा और क्या करवाएगा, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको फिर से शनि भी पुत्र वधु और दामाद के सुख प्राप्त करने में सपोर्ट करेगा। शनि आपके कुंडली के पंचम भाव के साथ साथ छठे भाव का भी मालिक है, तो दुश्मन का भी नाश कर देगा, चिंताओं को भी खत्म करने का प्रयास करेगा, लेकिन मन थोड़ा सा आपका चंचल रहेगा। शनि के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता कतई नहीं है। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करते हैं। राहु जो है गोचर का आपके कुंडली के नवम भाव में उच्च का बैठा हुआ है, जिसके कारण से राहु भी आपको विशेष डिस्टर्ब नहीं करेगा। गोचर का राहु उच्च का खराब रिजल्ट नहीं देता है, तो ये भी आपको धर्म से विमुख नहीं करेगा, धर्म की तरफ लेकर के जाएगा, भले ही आपके मन में संन्यास की भावना क्यों ना उत्पन्न कर दे, लेकिन हाँ साधु से संगत करवाएगा, ब्राह्मण ऋषि आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का आशीर्वाद भी दिलवाएगा और ससुराल से भी कुछ लाभ दिलवाएगा, धर्म के पथ पर चलने को आपको प्रेरित करेगा। और राहु की पांचवी दृष्टि यहां से 1 2 3 4 5 आपके मस्तक पर में, तो मानसिक तौर पर में मेंटली तौर पर में जो है बड़ा स्ट्रांग कर देगा, आपको मजबूत कर देगा। बड़ी से बड़ी युक्ति, बड़ी से बड़ा जुगाड़ आप यूं चुटकी बजाते सेट कर लोगे, इतना दिमाग शार्पली काम करेगा राहु के कारण, क्योंकि राहु जुगाड़ और युक्ति का मालिक है। राहु के पास इतना से ऊपर ही है, यही है राहु के पास बस। राहु की सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से जो है सो राहु आपको छोटे भाई बहन से भी कुछ लाभ दिलवाएगा, मेहनत परिश्रम भी खूब करवाएगा और इतना ही नहीं जूनियर्स का भी सपोर्ट दिलवाएगा और भुजाओं में बल का भी आपको एहसास होगा, बड़ा ताकतवर पराक्रमी राहु आपको बना देगा, धैर्य को भी मजबूत रखने का प्रयास करेगा। राहु की नौवीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान के सुख में भी वृद्धि करेगा राहु। और आपको मैं बता दूं इतना ही नहीं, राहु जो है आपके लिए फिर से ये भी किसी अफेयर का जुगाड़ लगाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं से इस महीने में आपका कोई ना कोई अफेयर जो है सो निश्चित तौर पे होगा। केतु का क्या खबर है, तो केतु भी जो है तीसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ है, तो छोटे भाई बहन के साथ कुछ छोटा मोटा टेंशन दे सकता है, लेकिन फिर भी लाभ वहां से भी आपको ये जरूर दिलवाएगा। इतना ही नहीं, केतु भी जो है भुजा में बल देगा,
ताकत देगा, धैर्य देगा। और पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर तो पति पत्नी को जो कुछ टेंशन पैदा कर सकता है लेकिन फिर भी लाभ भी एक तरफ दिलवाएगा, काम धंधा को भी मिला जुला करके ठीक चलवाएगा। और केतु की सातवीं दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में तो नवम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा। और नौवीं दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में वृद्धि करेगा, लाभ में वृद्धि करेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएगा, सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएगा और क्या करवाएगा तो आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्ति करने में भी आपको वो दिमाग देगा, वो ताकत देगा, वो बुद्धि देगा, जिसके कारण वो आप कर पाओ। तो हर मामले में आपका इस प्रकार से कुंडली जो है इस महीने में फल देने वाला है। इस महीने में जो आपको उपाय करना है वो दो ही उपाय करना है, एक तो 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक जो है सो बुध के लिए पुरुष वर्ग ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, महिला वर्ग नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करेंगी। और आपको मैं बता दूं कि दूसरा कि पूरे महीने नहीं लेकिन अगर हो सके तो पूरे महीने या नहीं तो कम से कम 14 मार्च तक जो है तो सूर्य को प्रत्येक दिन जल देना है, वो भी ना हो तो संडे को जरूर देना है। और गुरु के लिए भी हो सके तो पूरे महीने नमो मृंग बृहस्पतये नमः मंत्र का महिला वर्ग जाप करेंगी एक माला और पुरुष वर्ग ओम मृंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला जाप कर लेंगे दैनिक रूप से। अगर नहीं संभव हो तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन, अगर वो भी संभव ना हो तो 7 बार तो कर ही सकते हैं, तो 7 बार आप कर लेंगे भगवान बृहस्पति की कृपा उतनी में ही आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपके इस महीने का राशिफल है जिसमें दो दो राजयोग बन रहे हैं। जन्म कुंडली में अगर थोड़ा सा भी बढ़िया समय चल रहा होगा तो इन दोनों राजयोग का सपोर्ट मिल जाएगा, कहां से कहां आप निकल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको सुन करके मजा आ गया होगा। आज तक आपने ऐसी राशिफल कभी नहीं सुनी होगी, इतना डिटेल्ड विवरण कभी नहीं। मैंने अभी संक्षिप्त में बताया है, अभी और डिटेल में बताऊंगा तो 2-3 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। चलिए, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।